पनीर के पकोड़े, चीज बर्गर, साथ में ये खस्ता टिक्की और गोलगप्पे। ये लो जी, ये मटके में से आ गया देसी घी। तो मुरादाबाद की छोटी छोटी गलियों में ना एक से एक बेहतरीन खाने का जायका आपको मिलेगा। एकदम खस्ता है टिक्की, मज़ेदार, ऊपर से देसी घी में बनी हुई। तो मुरादाबाद की ना छोटी छोटी गलियों में घूमते हुए हमें पता चला एक ऐसा अड्डा जो बनाता है देसी घी में टिक्कियाँ। और यूपी वैसे ही अपनी चाट के लिए फेमस है, तो हम पहुँच गए यहाँ पर मंडी चौक, जहाँ पे लोकेटेड है शाम चाट। और ये बनाते हैं देसी घी में टिक्कियाँ। यहाँ आपको प्रिपरेशन भी दिखाते हैं और मिलवाते हैं भैया से यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। नमस्कार भैया, आपका नाम बता दीजिए मेरे को। जी मनीष। तो मनीष जी से बात भी करते हैं जी, क्या हाल है मनीष जी आपके? बड़ी सेटअप बड़ा प्यारा लगा रखा है आपने, मतलब पुराने दिनों की याद दिलाता होगा सबको। कितने साल हो गए वैसे अपनी दुकान को? शॉप को हो गए जी 50 साल। 50 साल। तो आप कौन सी जनरेशन है यहाँ पे? जी मैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हो आप यहाँ पे, तो शुरू से यही टिक्की ही लगती है यहाँ पे? और टिक्की के अलावा और क्या क्या मिलता है हमारे यहाँ? पापड़ी है, दही बड़ा है, पानी के बताशे हैं, पनीर पकौड़ा है, और आपका चीज बर्गर है। तो चाट का सारा सामान मिलता है आपके यहाँ। और क्या प्राइस क्या रहता है अपना टिक्की का? टिक्की की प्लेट हमारे यहाँ 60 रुपये। टिक्की की प्लेट 60 रुपये की? दो टिक्की होती है एक? हाँ, टिक्की एक प्लेट में दो पीस। एक प्लेट में दो पीस टिक्की के होते हैं आपके। और गोलगप्पे का क्या प्राइस रहता है आपका? हमारे यहाँ 40 रुपये के 10 पीस है प्लेट। 40 रुपये के 10 पीस? जी जी। चलो यूपी में ये तो फायदा है कि 40 रुपये के 10 पीस मिल जाते हैं, दिल्ली में तो बहुत महंगे हो गए हैं गोलगप्पे। दो सिंगल इधर से बनाते हैं। ये क्या है हमारा? खस्ता है। वो खस्ता है, ये भी बस चाट चटनी और उसके साथ दिया जाता है। ये भी दही शॉट चटनी से, दही शॉट और चटनी के साथ दिया जाता है। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? टाइमिंग हमारी 4 से 10। 4 से 10। ये लो जी, ये मटके में से आ गया देसी घी। देखेंगे पनीर के पकोड़े भी होते हैं। पनीर के पकोड़े भी रहेंगे देसी घी में। तो पनीर के पकोड़े, चीज बर्गर, साथ में ये खस्ता टिक्की और गोलगप्पे। तो चाट खाने का आपका बन सकता है फेवरेट अड्डा शाम चाट मंडी चौक पे। और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। पनीर के पकोड़े का प्राइस क्या रहता है अपना? एक प्लेट 50। तो दो पकोड़े 50 रुपये के मिल जाते हैं। टिक्की का भाव भी 60 रुपये और गोलगप्पे भी 40 रुपये में 10। चलिए अब आपको दिखाते हैं टिक्की का प्रिपरेशन। जो टिक्की के अंदर स्टफिंग डलती है वो किस चीज़ की डालते हो आप? ये आलू, इसमें आलू होता है, नमक मिर्च मसाला अदरक, नॉर्मल दाल वाल कुछ नहीं डलता? नहीं, दाल का नहीं होता। तो प्योर आलू की, अंदर की स्टफिंग भी आलू की है? प्योर आलू, प्योर आलू की डलती है जी टिक्की के अंदर स्टफिंग। ये दही हो गई जी इनकी, ये शॉर्ट हो गई, और ये हरी चटनी है पुदीने की, बाकी थोड़े मसाले हैं यहाँ पर, और भल्ला पापड़ी टिक्की। चलिए जी अपने लिए भी लगवाते हैं टिक्की की प्लेट और बताते हैं आपको कैसा है इसका स्वाद। लो जी टिक्की आ गई है अपनी। एकदम सिंपल टिक्की है, मसाला आलू बस अंदर डाला, आलू के अंदर एकदम खस्ता है टिक्की, मज़ेदार, ऊपर से देसी घी में बनी हुई। गोलगप्पे भी लाजवाब थे हमने खाए। तो मुरादाबाद की छोटी छोटी गलियों में ना एक से एक बेहतरीन खाने का जायका आपको मिलेगा। उसमें से एक ये जॉइंट था शाम चाट, जहाँ पे मिलती है बेहतरीन टिक्की, वो भी देसी घी में बनी हुई।
देसी घी में बनी हुई टिक्की आपको बहुत कम मिलेगी और वो भी इतनी करारी और इतनी बेहतरीन। तो ये लोकेशन था मंडी चौक, लोकेशन गूगल की लोकेशन और मोबाइल नंबर मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। दोबारा मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स से।